यहाँ से भाई एक बंदा स्पोर्ट होता है तो देखो कैसे बचाते उसको। बस एक को फिनिश करना था। अब एक बंदा मुझे सामने दिख रहे हो आप, ट्रिपल स्टोरी में दिखा वो टॉप पे, उसको मैं फिनिश कर सकता था बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई वो बंदा जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि ये टीम फिर उसके साथ उलझी रहेगी और हम पीछे से आके ये वाली टीम को बचा जाएंगे। देखा जैसा कि मैंने कहा था, अब यहाँ पे कुछ उल्टा सीन होने वाला है। अब मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ यार ताकि मैं मार सकूँ, लेकिन वो भाई मेरे टीममेट को बजा देते दे, तो अब आखिरी बचा हुआ था उसको भी पेलते हैं। और ये बेचारा सीढ़ी में रिवाइव कर रहा था बिल्कुल ओपन में, एकदम खुल्लम खुल्ला रिवाइव पुश करने गए। और उन लोग ने अभी अभी ऑलरेडी एक स्क्वाड को मारा था जिनकी गाड़ी साइड में खड़ी हुई है, और जिन्होंने मारा था अब वो यहाँ से लीव कर रहे थे। भाई साहब हमारा एक बंदा क्या नॉक कर दिया, कतई चौड़ों में आ रहे थे चारों के चारों। एक फ्लेयर से पेट नहीं भरता तो यार हम दूसरी फ्लेयर पे आ जाते हैं। और जैसे ही हम भाई इस वाली फ्लेयर पे आते हैं तो भाई यहाँ पे तो मतलब बंदों की यार लाइन ही लग गई। अभी एक स्क्वाड है यहाँ पे जिसने ये फ्लेयर चलाई है, और आगे आगे देखते रहना भाई यहाँ पे कितने बंदे आएंगे। तो एक बंदा मेरे एम पे था, मैंने जब तक फायर नहीं करा जब तक मैं नॉक ना कर पाऊँ, और जैसे ही मुझे लगा मैं नॉक कर दूंगा मैंने फायर कर दिया उस पर। तो अब यहाँ पे मैं इनका एक बंदा तो नॉक कर देता हूँ, बट फिर मैं ट्राई करता हूँ भाई एक नेड करने का, क्योंकि इतना छोटा सा घर है और भाई तीन बंदे मतलब नहीं आ सकते, तो यार ऐसा ही होता है भाई वो नहीं आ पाते। तो एक बंदा मैं नेड में नॉक कर देता हूँ, बट मैं गलती से फारूफ को भी नॉक कर देता हूँ। तो भाई इस बंद रेगा रुक जा, बड़ा शॉट आउट। ओ भाई सेमीफाइनल्स का भाई डेट एज अनाउंस्ड येट। टॉक्सिक रेगा, टॉक्सिक मॉडल। Wanted to ask you ever tried gyro? I did actually, but nahi jama, so I switched back.